गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू पीबीआर स्टडी। इस दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं है। आप वह सब कुछ कर सकते हैं जो आप सोच सकते हैं, और आप वो सब कुछ सोच सकते हैं जो आज तक आपने सोचा नहीं। तो चलिए आज ही हम सोचना शुरू करते हैं, और वो क्या सोचना है, संख्या पद्धति के बारे में, यानी कि अंक जो होता है क्या होती है, संख्या क्या होती है, और अंक कितने प्रकार के होते हैं, संख्या कितनी प्रकार की होती है, गणित की शुरुआत कहाँ से होती है। ठीक है ना? तो बिल्कुल क्वालिटी वगैरह अच्छी आ रही वीडियो की ना। ठीक है, तो देखिए जो मैथ की शुरुआत होती है, आप लोगों ने अब तक 8 भाग तो देख लिया है, 9वां भाग पे चलते हैं हम। अब तक हमने छोटे छोटे टॉपिक देखा, आज हम देखेंगे बिल्कुल बेसिक, संख्या क्या होती है, अंक क्या होता है। देखिए अगर हमने लिखा, बात करें पहले अंक के बारे में, अगर हमने लिखा 5, तो ये क्या है, संख्या या अंक है? ये क्या है, एक अंक है। मतलब किसे, इसे क्या बोलते हैं, डिजिट बोलते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम इसके आगे एक लिख देते, 5 लिखी, अब ये क्या बन गया, एक संख्या बन गई। समझ रहे हैं ना? अगर अकेले 7 लिखा तो क्या है, अंक है, लेकिन अगर इसके पीछे एक लिख दिया तो क्या हो गया, संख्या। जरूरी नहीं कि उसके साथ एक लगाए तभी संख्या होगी। अगर 7 है, यहां पर 9 लिख दिया तब भी संख्या हो गई। कहने का मतलब एक से अधिक अंक हो जाए तो वो क्या बन जाती है, संख्या बन जाती है। समझ रहे हैं ना? एक से अधिक हो जाए बस, चाहे जितना, अगर एक रहेगा अकेले तो ये क्या है, मात्र अंक है, संख्या नहीं। समझ रहे ना बात को? तो ये हुआ अंक और संख्या, आपने देख लिया होगा। आप देखिए आगे बढ़ते हैं, अगर आपको बताएं सिंपल में तो आप लोग इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि गणितीय क्रियाओं को जिन सिंबल के रूप में दिखाते हैं उन्हीं को क्या बोलते हैं, अंक बोलते हैं। या फिर सिंपल में आप ऐसे जान लें कि अंकों की संख्या जो होती है कितना होती है, 10 होती है, होती है ना भाई, ये कुल मिला के 0 से लेकर 9 तक अंक होते हैं। इन्हीं अंकों का प्रयोग करके हम संख्याएं बनाते हैं, कोई भी संख्या लिखे अनंत तक इन्हीं अंकों का प्रयोग करते हैं भाई। 1 से लेकर 0 से लेकर 9 तक के अलावा कोई संख्या लिखने में क्या कहीं कुछ और आता है क्या? यही सब तो आते हैं ना। चाहे अगर हमने लिखा 9 3 2 7 0 0 3 9 5 तो क्या प्रयोग किया हमने, इन्हीं में से तो अंक लिया, वही अंक तो बार बार किया इधर उधर, समझ गए ना। तो ये होती है अंक और संख्या। अब बात करते हैं संख्या कितने प्रकार की होती है। तो संख्याओं में पहले तो मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती है, एक वास्तविक और एक काल्पनिक। ठीक है, तो यहाँ पर हम वास्तविक संख्याओं की बात करेंगे आज। काल्पनिक मतलब जिनकी हम कल्पना कर सकें, जिनको इमेजिन कर सकें। तो हमें इमेजिन नहीं करना है, जो रियल में है उसी के बारे में बात करना है। ठीक है ना, तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें जो रियल में है उसमें क्या आता है, सबसे पहले प्राकृतिक संख्या। ठीक है, प्राकृतिक संख्या जिसे हम लोग नेचुरल नंबर बोलते हैं, होता है ना भाई, क्या होता है, नेचुरल नंबर। आपने कई बार पढ़ा होगा इसको, लेकिन अभी 0 लेवल से चल रहा है इसलिए हम फिर से रिपीट कर रहे हैं। तो वह संख्याएं जिन्हें हम लिख सके और भौतिक रूप से महसूस कर सके, फील कर सके, वो नेचुरल नंबर होती है। जैसे हमने लिखा 5 2 1 7, मतलब समझ रहे ना। यानी अगर मैंने बोला एक मार्कर, तो एक मार्कर आप फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं अपने माइंड में कि एक मार्कर होगा तो भाई एक होगा, मतलब एक ही डंडिया ऐसे होगा। अगर हमने अपने मन में कहा, आपसे बोला कि 2 मार्कर, तो इसे आप फील करेंगे कि 2 मार्कर मतलब 2 होगा, अलग अलग 2 ना, यानी कि आप इसको महसूस कर पा रहे ना 2। लेकिन हमने कहा 0 मार्कर, अब क्या आप महसूस करेंगे कि 0 मार्कर कैसे होगा, इतना बड़ा होगा कि इतना बड़ा होगा, कैसे होगा? 0 मार्कर आपके दिमाग में आया, कुछ नहीं है ना माइंड में। क्यों? क्योंकि 0 को आप फील नहीं कर सकते। अगर हमने कहा 0 चॉकलेट, तो आप फील कर पाएंगे 0 चॉकलेट भाई, मुंह में जाएगा कि फिर हाथ में रहेगा, कुछ नहीं फील होगा। लेकिन अगर हमने कहा 1 चॉकलेट, तो आपको मालूम होगा कि 1 डेयरी मिल्क मिलेगा आपको, मतलब कि 1 होगा, उसको आप देख सकते हैं। समझ में आया ना? तो कुल मिला के ये होता है प्राकृतिक संख्या, जिस संख्याओं को हम फील कर सके, महसूस कर सके, उन्हें लिख सके, काउंट कर सके, वो क्या होती है, प्राकृतिक संख्याएं होती है, जिनमें 1 से लेकर के कितने तक होती है, अनंत तक होती है।
ठीक है, एक से लेकर के अनंत तक, समझ रहे ना। तो ये तो हमने आपको एग्जांपल बताया था, एक से लेकर के अनंत तक की संख्या क्या होती है, प्राकृतिक संख्या, जैसे एक दो तीन फिर डॉट डॉट डॉट, ये अनंत तक। नेचुरल नंबर के बाद आपका आता है इसी में होल नंबर, जिसे पूर्ण संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या। देखिए बिल्कुल ये जीरो लेवल से चल रहा है। देखिए हम पढ़ने जा रहे थे एलसीएम और एचसीएफ, लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई, एलसीएम और एचसीएफ में अभी जब हम फैक्टर बताएंगे गुणनखंड, तो उसमें आपको नहीं मालूम होगा संख्या किस प्रकार की है, भाज्य है अभाज्य है, सम है कि विषम है, तो आप गुणनखंड नहीं कर पाएंगे। इसलिए संख्याओं के बारे में समझना बहुत जरूरी है पहले, तब उसको करेंगे। अब पूर्ण संख्या क्या होती है, होल नंबर क्या होती भाई? सिंपल सी बात है, पूर्ण संख्या मतलब पूर्ण, पूर्ण मतलब समझ लेना जो पूरा हो जाए, कहने का मतलब समझिएगा। यानी कि प्राकृतिक संख्याओं के परिवार में जीरो को भी शामिल कर ले तो बनी हुई संख्याएं क्या होती है, पूर्ण संख्याएं कहलाती है। जैसे अगर लिखा जीरो एक दो तीन हरे डैश डैश अनंत तक, ये क्या हो गई, पूर्ण संख्या हो गई। अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो वो निसंकोच बोल सकता है, बिल्कुल कमेंट कर सकता है, कोई भी प्रकार की अगर समस्या आपको तो आप कमेंट कर सकते हैं निसंकोच, ठीक है। तो ये हुआ पूर्ण संख्या। अब हम बात करते हैं आगे, इसमें पूर्ण संख्या के बाद आता है पूर्णांक। देखिए एकदम बिल्कुल बेसिक चल रहा है जीरो लेवल से, पूर्णांक संख्या या फिर पूर्णांक क्या होता है भाई, इसे इंग्लिश में इंटीगर बोलते हैं, ठीक है। अब इंटीगर क्या होता है, ये क्या होता है, पूर्ण संख्याओं के धनात्मक तथा ऋणात्मक मान को पूर्णांक कहते हैं। पूर्ण संख्याओं के धनात्मक तथा ऋणात्मक मान को क्या कहते हैं, पूर्णांक यानी कि इंटीजर कहते हैं। अब हम आपको दिखाएंगे साइड में, यानी कि लेफ्ट साइड में लिख के दिखाएंगे क्या होता है ये, इधर समझिएगा और सुनिएगा। देखिए पूर्णांक क्या होता है, आपने पढ़ा होगा बचपन में ये संख्या रेखा, इसमें बीच में जीरो लिखते थे, इधर साइड में वन टू थ्री फोर, फिर डैश डैश, इधर माइनस होता था, ये माइनस, ऐसे होता था ना भाई, ऐसे होता था ना। तो आप यहां से समझ गए होंगे बहुत कुछ, मतलब दाईं साइड जाने पर सब कुछ प्लस, बाईं साइड जाने पर सब कुछ माइनस, ऊपर जाने पर प्लस, नीचे आने पर माइनस, ये होता है ना। तो पूर्णांक क्या होता है, पूर्ण संख्याओं के धनात्मक तथा ऋणात्मक मान को पूर्णांक कहते हैं। यानी कि माइनस अनंत से लेकर के ये, और फिर ऐसे जाएगा क्या होगा, कम हो जाएगा, फिर जीरो, यानी सभी माइनस है, फिर वन फिर टू फिर थ्री डैश डैश अनंत तक, यानी माइनस अनंत से लेकर प्लस, यानी कि पॉजिटिव जिसे बोलते हैं प्लस, मुझे बोलना कम आता है, उसे क्या बोलते हैं, पूर्णांक कहते हैं। यानी कि पूर्ण कौन संख्या बोलते हैं, पूर्ण संख्या इंटीजर बोलते हैं। सभी को समझ में आया ना, अगर कोई प्रकार की कंफ्यूजन है तो उसे आप निसंकोच कमेंट कर सकते हैं। ये हो गई पूर्ण संख्याएं। अब हम बात करेंगे आगे, देखिए पूर्ण संख्या भी हो गई, पूर्णांक भी हो गया, मतलब पूर्ण संख्याओं के, लिख लीजिएगा, लिखना होगा तो बताइएगा, मैं आपको लिख के दिखा दूंगा, ठीक है। पूर्ण संख्याओं के धनात्मक तथा ऋणात्मक मान को पूर्णांक कहते हैं। प्राकृतिक संख्याओं के परिवार में जीरो को शामिल कर लेने पर बनी संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। वह संख्याएं जिन्हें महसूस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, मतलब लिख सकते हैं, वो क्या होती है, परिमेय संख्याएं होती, ओ सॉरी प्राकृतिक संख्या होती है। तो ये हो गई संख्या के बारे में कुछ जानकारी। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए पूर्णांक जो है प्रकार, पूर्णांक के दो प्रकार होते हैं, कौन कौन, एक होता है ऋण पूर्णांक और एक होता है धन पूर्णांक। देखिए पूर्णांक जो होता है इसके दो प्रकार होते हैं, कौन कौन, एक होता है धन पूर्णांक पॉजिटिव इंटीजर, एक होता है ऋण पूर्णांक निगेटिव इंटीजर। तो धन पूर्णांक क्या होता है, कोई भी संख्या अगर धन में है प्लस में, मतलब ये क्या है, धन पूर्णांक है। ऋण पूर्णांक मतलब कुछ भी अगर है वो माइनस में लिखा है, कुछ भी हो, ठीक है,
ये सभी क्या है? ऋण पूर्णांक है। समझ में आया बात ना? कोई कंफ्यूजन है तो निसंकोच आप बोल सकते हैं, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, आपका अपना चैनल है। दोस्तों हमारी आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी, ये क्लास अगर आपको अच्छी लग रही तो कृपया अपने 3 मित्रों में अवश्य शेयर करिएगा, उनको जरूर दिखाइएगा इस क्लास को, ठीक है? शेयर करना नहीं भूलिएगा, कोई भी हो आपका, जो भी फ्रेंड्स होंगे सबको शेयर करिएगा इस क्लास को, बात समझ में आई ना? और लाइक करना तो बिल्कुल नहीं भूलिएगा, और नए नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, जिससे कि आप हमसे जुड़े रह सकें, हमारे कॉन्टेक्ट में रह सकें, और 50,000 पीबीआर की फैमिली में आप भी शामिल हो सके, समझ रहे ना? तो ये हम बात कर लिए गुणांक की, अब हम बात करेंगे आगे। आगे क्या बात करेंगे भाई? आगे बात करेंगे सम संख्या और विषम संख्या, बहुत महत्वपूर्ण है ये। सम संख्या जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? इवन नंबर। और अगला क्या है? विषम संख्या। जिसे हम लोग बोलते हैं ऑड नंबर, ठीक है? अब सम संख्या विषम संख्या क्या होती है, इवन और ऑड नंबर क्या होता है, और इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे? इसके बाद हम लोग देखेंगे भाज्य संख्या और फिर देखेंगे अभाज्य संख्या, ठीक है? इसे बोलते हैं प्राइम नंबर और इसे बोलते हैं कंपोजिट नंबर। तो याद रखिएगा इनको दोस्तों, इसके आगे हम लोग देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में, 10वां भाग आप लोग जरूर देखिएगा, जिसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। हो सकता है टाइम लगे, लेकिन जब ये वीडियो पब्लिश होगा यानी कि 3 नवंबर की डेट में, तो 4 नवंबर की डेट में ये पूरा का पूरा मैटर आपको मिल जाएगा सुबह 5 बजे। बेसिक मैथ, जीरो लेवल मैथ का प्रत्येक दिन आपको वीडियो सुबह 5 बजे मिल जाता है, यानी जब आपकी नींद खुलती होगी बिस्तर से तब आपका वीडियो यूट्यूब पर पब्लिश हो जाता है। आप लोग सुबह 5 बजे से इस क्लास को अटेंड कर सकते हैं, इसमें लाइव कमेंट भी कर सकते हैं। तो बात समझ में आ गई होगी, डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी गई होगी पीबीआर स्टडी को, वहां से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो बिल्कुल फ्री फील करिएगा, और हमें कॉल कर सकते हैं आप, या टेलीग्राम व्हाट्सएप में मैसेज भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप विजिट कर सकते हैं pbrstudy.com आपकी हर एक समस्या के समाधान के लिए। जल्द ही हम आपके लिए पीबीआर स्टडी का ऑफिशियल ऐप चलाने वाले हैं, गूगल प्ले पे मिलेगा आपको, और वहां से भी आप अपनी पढ़ाई को आसान बना सकते हैं। हमारा उद्देश्य गांव देहात दूर दराज में बैठे उन फ्रेंड्स को कोचिंग यानी कि ट्यूशन मुहैया कराना, जो कि कहीं भी एक मुफ्त में पेमेंट करके पढ़ाई नहीं कर सकते, उनको बिल्कुल फ्री उनके घर पर, उनके गांव, उनके बाग बगीचे, खेत खलिहान तक क्लास उपलब्ध हो। चाहे वो भैंस चराने गए हों, चाहे वो खेत में काम करने गए हों, चाहे वो फैक्ट्री में काम कर रहे हों, चाहे वो पुलिस और सीआरपीएफ की वर्दी पहनकर ड्यूटी पर तैनात हों, लेकिन उनकी लाइव क्लासेज उनके हाथ तक पहुंचे, उनके फोन तक पहुंचे। ये सब तभी संभव होगा जब आप लोग इस वीडियो को अपने मित्रों में शेयर करेंगे। तो कम से कम 2-3-4 फ्रेंड्स को अवश्य शेयर करिएगा, यही उम्मीदों के साथ। जय हिंद, जय भारत। मैं राजकुमार रघुवंशी, फिर मिलूंगा अगली क्लास में यानी कि नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।